आप टफ लॉस आज आपकी टीम ऑफ कोर्स दो मैचेस जीती थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई एम श्योर आप लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में उतरे होंगे, क्या गलत हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो लास्ट दो मैचेस में हमारे गलतियां हो रही थी बैटिंग में, क्योंकि टॉप ऑर्डर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो भी सेम प्रॉब्लम और गलतियों से हम सीख नहीं रहे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैचेस में गलतियां ना दोहराएं। ऐसा तो नहीं था कि शायद बहुत बड़ा स्कोर करने की कोशिश आप लोगों के जहन में थी, क्योंकि 190 भी यहाँ पे चेज होता रहे रेगुलरली, तो 225 तो नहीं था जहन में? नहीं नहीं, ऐसा कोई सिंपल प्लान थे लेकिन एग्जीक्यूशन हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। हमें क्रिकेट को समझना होगा कि T20 क्रिकेट में भी 120 बॉल होते हैं, हर बॉल पर हमें रन्स करने नहीं जाना पड़ता, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट मैचेज़ में आए गलतियाँ आज की हैं वो ना दोहराएं। रनआउट्स ने भी हेल्प नहीं किया क्योंकि ऑफ कोर्स जब विकेट गिर रही थी मेबी थोड़ी सी शायद उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़े आपके? बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से हमारी अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, तो अगर वो थोड़ी लंबी जाती तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली। कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैचेस में ऐसा ना हो कि जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उसको ना दोहराएं और होपफुली इंशाल्लाह अच्छी टीम बन के उभरेंगे हम नेक्स्ट मैचेस। फॉर्म फिटनेस के बारे में बताएं, कमबैक हो रहा है आपका, तो ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स ऑलराउंडर, आपने लास्ट सीजन बड़ा जबरदस्त किया था आपका यूनाइटेड के लिए, तो इस सीजन किस अप्रोच के साथ उभरेंगे? अनफॉर्चुनेट बिल्कुल, दो मंथ मेरे ख्याल से 2.5 महीने से मैं क्रिकेट नहीं खेला और कम बैक करना काफ़ी मुश्किल होता है और इतना बड़ा कंपटीशन है तो उसमें काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिदम वापस आ रहा है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, काफ़ी अच्छा बॉल नज़र आ रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने रन्स नहीं हो रहे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में कोशिश करूँगा कि एज ए ऑल राउंडर परफॉर्म करूँ। सेकंड सीजन बतौर कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड का कितना एंजॉय करें, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं आपके पास, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं? बिल्कुल, काफ़ी कुछ सीखा लास्ट जो हमारा PSL हुआ था उससे काफ़ी कुछ सीखा है, कोशिश करता हूँ कि अब ज़्यादा काम रहूँ और बिल्कुल सीखने का अमल जारी है और सीनियर से काफ़ी हेल्प मिल रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस साल अच्छे रिजल्ट आए। लास्टली क्राउड जब बढ़ता जा रहा है और दोबारा से जिस तरीके से वापसी हुई है क्राउड की, कितना हार्डनिंग है एज अ प्लेयर, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, कितना मज़ा आता है क्राउड के सामने? बिल्कुल, पाकिस्तानी क्राउड जिस तरह का आपको बूस्ट देता है तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है एज ए क्रिकेटर और काफ़ी इन्जॉय होता है। अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह स्टार्ट नहीं किया, क्राउड इतना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वापस आ रहा है तो काफ़ी मज़ा आता है और होपफुली वो हमें सपोर्ट करने आता हो, क्योंकि ज़्यादातर हमें सपोर्ट करने नहीं आ रहा क्राउड, लेकिन होपफुली नेक्स्ट मैचेस में हमें सपोर्ट करने हैं। लास्टली क्विक वर्ड अबाउट, आप किस तरीके से कमबैक करेंगे, क्या जाके फॉर द नेक्स्ट गेम? बिल्कुल सिंपल प्लान, क्योंकि हम 20 ओवर नहीं खेल पा रहे तो 20 ओवर खेल लें और जिस तरह की हमारे बैटिंग डेथ है उसको यूटिलाइज करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू।